गुस्से में आके तलाक दे दिया था। फोन आया था, उन्होंने बोला फोन पे तलाक 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 कि या 5 लाख रुपए लिया या 4 पहिए गाड़ी लगा दिया तुझे रखेंगे जब। On 24th April, my husband called me in the drawing room and told me that on 18th April, he had given me triple talaq. Triple talaq, एक ऐसी प्रथा जो 22 इस्लामिक देशों में बैन है। इसकी मदद से एक मुस्लिम शख्स 3 बार तलाक बोलकर अपनी शादी तोड़ सकता है। ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह के खिलाफ कोर्ट में कई PIL दाखिल हैं। इनमें एक ट्रिपल तलाक की पीड़िता शायरा बानो और दूसरी महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था BMMA ने दाखिल की है। मेरे हस्बैंड ऐसे बैठे थे, मैं बैठी थी और उधर वो लड़का बैठा था जिससे निकाह हो रहा था। फिर उनके मौलाना आए थे जो लिख रहे थे निकाह। कुछ नहीं समझ में आ रहा था। जिस वक्त निकाह करवा रहे थे बैठ के, उस वक्त भी मैं रोती जा रही थी। तो मैं समझ ही नहीं पाई कि हलाला होता क्या चीज़ है। ये तो जब मेरे साथ गलत हो चुका तब मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा फ़ायदा उठाया गया। तो उसे शादी का नाम तो नहीं देंगे, उसे तो सीधे मैं बलात्कार का ही नाम दे सकती हूँ। तलाक के बाद अगर कोई शख्स अपनी पत्नी को फिर से वापस लाना चाहता है तो उसके लिए महिला को दूसरे शख्स के साथ शादी कर एक रात गुजारनी होगी, तभी वो अपने पहले पति के पास वापस जा सकेगी। इसे निकाह हलाला कहते हैं। 17 साल की उम्र में चांदनी की शादी सलमान के साथ हुई। सलमान के परिवार ने स्थानीय मौलवी के साथ मिलकर चांदनी पर निकाह हलाला का दबाव बनाया। उसे निकाह हुआ, उसके बाद उसने दूसरे दिन मुझे तलाक दिया और तलाक होने के बाद अपने ससुराल वालों से कहा कि मेरा शौहर मुझे दीजिए, मेरा निकाह उनसे वापस करवाइए दोबारा। तो बोले अब कोई निकाह नहीं होगा और कोई तलाक नहीं होगा और जो है तुम्हारी दूसरी शादी हो गई। आज भी चांदनी उस सदमे से निकल नहीं पाई है। उस दिन को सोच कर उसे गुस्सा आता है। जिनको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, कभी ना मिले हैं उनसे, फिर उनसे निकाह, फिर उसके बाद ये कि आप जाके हम मिस्त्री करिए, हलाला करिए। तो आप सोचिए कि उस औरत पे क्या गुजर रहा होगा जिसके साथ ये हो रहा है। औरत यही महसूस करती कि इस वक्त जो होने जा रहा हो रहा है हमारे साथ में, उस वक्त अल्लाह पाक मौत दे दी होती तो ठीक था। अक्सर ये माना जाता है कि इस तरह की प्रथा ज़्यादातर उन जगहों पर है जहां महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन इंग्लिश की डिग्री और MBA कर चुकी दिल्ली की अर्शिया को भी 2011 में उसके पति ने ट्रिपल तलाक दिया था। उसके पति भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर हैं। दिस इज़ गॉट नथिंग टू डू विद कि ये एजुकेटेड क्लास में नहीं होता है। इट इज़ बेसिकली अ मैंस मेंटालिटी। When a man gets fed up of a woman that he's living with for so many years and he wants a change, he uses triple talaq. घरेलू हिंसा के मामले सामने आने के बाद ट्रिपल तलाक पर बैन की मांग और तेज हो गई है। दिल्ली के तिगरी गांव में सलमा का पति उसके साथ बुरी तरह मारपीट करता था और तलाक सिर्फ इसलिए दे दिया क्योंकि वो उसके मेडिकल बिल नहीं भरना चाहता था। कहीं जाते में कहीं नहीं यही बढ़ जाती है कट्टा पे। तो मेरा इतना मेरा मन मेरा घुट रहा है, घर में घुट बड़े 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 घुट रहा है मेरा मन। तेरे को पता नहीं मैं क्या बीत रही है। तो बच्चे तो जो कहता है बड़ा वाला लड़का था उसको जेल में करा दे नानी, उसको तो जेल में सड़ा दे मार मार के। हमारा पापा नहीं है, हमारी मम्मी बहुत दुखी रखी, हमारे को दुखी रखता है। सर में मेरे ना दीवार पकड़ पकड़ के मारते थे। मैं चल नहीं सकती, देख नहीं सकती, तो मैं क्या काम की, किस काम की नहीं हूँ मैं। फोन आया उनका, फोन आया था, उन्होंने बोला फोन पे तलाक 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 तुझे तलाक दे रहा हूँ। उन्हें ये लगता है देख नहीं सकती तो हमें खवा नहीं सकती, बना के हम खिला नहीं सकते। हम तो कुछ खिलाएंगे इसको, टट्टी पेशाब कराएंगे इसकी, कौन सेवा करेगा। वो ये चाहते थे। आपको लगता है इसी वजह से उन्होंने 3 तलाक की बात? हाँ मुझे पता है इसी वजह से करा है। इसी गांव में एक और घर में 20 साल की रुखसाना अपने परिवार के साथ रहती है।
ट्रिपल तलाक की वजह से उसकी शादी एक साल के अंदर ही टूट गई। जो मेरे शादी में पैसा लगा है वो तो देना चाहिए, वो भी नहीं दे रहे, और खाली तलाक दे देंगे तो ऐसे कैसे हो जाएगा। धमकी और दे रहे हैं, कह रहे हैं हमारा तो कुछ नहीं कर पाए, तो बूढ़ी हो जाएगी। रुखसाना का पति तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन रुखसाना और उसका परिवार इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। हमारा तो तब पैसा उठ रहा है, वकील को दे रहे हैं 80,000 रुपए दिए वकील को, भाई पुलिस वाले को भी दे रहे हैं। मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी खराब हो गई, अब वो मुझे कोई अपना लेगा बताओ। भले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ ने बहुविवाह को अनुमति दी हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि कुछ ही मुस्लिम बहुविवाहित हैं। 2006 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 2% महिलाओं ने ही ये बात कही है कि उनके पति की एक से ज्यादा पत्नियां हैं। हालांकि BMMA इस बात को लेकर अड़ी हुई है कि मुस्लिम समाज में बहुविवाह के खिलाफ कानून होने चाहिए, ताकि महिलाएं बिना भेदभाव और सिर उठाकर रह सके। ऐसे मत, किसी की लाइफ मत बर्बाद करिए कि हमने करा फिर हमको ये नहीं अच्छी लगी, हमने उसको छोड़ दिया, फिर इसमें ये प्रॉब्लम निकली, फिर वो कर लिया। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि शादी आपने मेरी मर्जी से करी और छोड़ने अपनी मर्जी से लिया। सिर्फ महिलाएं या उनका परिवार ही इससे पीड़ित नहीं है, ऐसे हालात में उनके बच्चे ज्यादा तकलीफ में रहते हैं। परसों की बात है, माय डॉटर शी हाउल्ड बिकॉज़ शी वाज टायर्ड ऑफ द स्ट्रगल। शी वांट्स टू स्टडी, शी कैन नॉट स्टडी, शी इज ट्राइंग टू हेल्प हर मदर, शी लॉस्ट ऑन हर एजुकेशन, शी लॉस्ट फ्रेंड्स, शी लॉस्ट ऑन बेसिक थिंग्स बिकॉज़ आई कुड नॉट अफोर्ड। वी कांट फोर्स देम टू स्टे टुगेदर, व्हेन पीपल हैव टू टेक डिसीजंस दे नीड, देयर इज अ वे टू टेक देम रादर देन destroying lives of others. You know, if things are done beautifully, you will just earn a more respect from your children, nothing more than that. 3 महीने 13 दिन की इद्दत मैंने पूरी करी, उसका खर्चा उनको देना पड़ा, उन्होंने दिया, और जो मेहर के पैसे बने थे वो उनको देना पड़े, और जो उनका बेटा था जो दूध पीता था उसका 50 रुपये रोज का जो है वो दे रहे हैं बस। अब उसका आगे का जो है नहीं मिल रहा है कुछ, और हम अभी टेंशन में हैं कि उसको पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे, किताबें कहाँ से लाएंगे, स्कूल की फीस कैसे देंगे। ट्रिपल तलाक, हलाला और बहुविवाह काफी सुर्खियों में रहा, लेकिन एक बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो ये कि आखिर कब तक पैसों के साथ साथ महिलाओं को अपनी भावनाओं की भी आहूति देनी होगी। लोग तो मेरा मजाक उड़ाते नहीं थे, मेरे को पता है मेरे में क्या बीत रही है क्या नहीं, मैं अपने बच्चों से भी परेशान हूँ, अपने आदमी से भी सबसे परेशान हूँ। To be honest, if you ask me, very lonely. And so is my child. So is my child. She's got so scared of. She's scared of men. घर से बाहर मैं नहीं निकलती हूँ, जब जैसे आज आपने बुलाया तो मैं आ गई, नकाब ओढ़े सीधे आपके पास, अब यहाँ से जाऊँगी सीधे चुपचाप घर में। मेरी फ्रेंड हैं सब अपने अपने छतों पे खड़ी होती हैं, अरे चांदनी कैसी हो, कहाँ हैं सलमान भाई, कहाँ हैं, दिख नहीं रहे, हाँ यार वो अभी आए नहीं। तो बहुत अजीब तरीके से, क्यों क्या हो गया, अच्छे से तो तुम लोग रह रही थी, क्या हो गया? फिर मैंने सुना तुम्हारा निकाह हुआ हलालो, तो कितनी गिरी हुई बात होती है, कितनी अजीब सी फीलिंग होती है कि सर उठा के इंसान इस चीज़ों को जवाब दे सकता है नहीं। डॉक्टर को दिखाते हैं तो कहते हैं डिप्रेशन के लास्ट स्टेज पे हो, ना हम किसी से मिल सकते हैं, ना मेरे घर कोई आ सकता है, क्योंकि लोगों की नज़र मुझ पे होती है। आंकड़ों के हिसाब से ट्रिपल तलाक का ज्यादा प्रचलन नहीं है, निकाह हलाला भी समाज में बड़े स्तर पर मौजूद नहीं है, और बहुविवाह भी मुस्लिमों में इतना नहीं है। ये 3 तलाक को लेकर के जो विवाद चल रहा है, इस पूरे मामले में जिस तरह से राजनीति होती है, उससे सलमा, अर्शिया, चांदनी, रिशा, रुखसाना और शाहीना की सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। इन महिलाओं के भविष्य की सोचें, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आज भी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। इस दुनिया में मतलब लड़कियों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो मेरा ये कहना कि उन मर्दों को मतलब सजा जरूर मिले जो लड़कियों के साथ गलत करते, और मैं बयान नहीं कर सकती।